गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, हम आज की क्लास में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी काव्य रचना लेकर आए हैं, तुलसीदास जी की रामचंद्र के लिए, भगवान रामचंद्र के लिए लिखी गई कुछ उनकी उनके बचपन की बाल लीलाओं का एक संग्रह है। उस संग्रह में से हम आज आपके लिए ये कुछ पद लेकर आए हैं। इन पदों के माध्यम से आज भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन हम पढ़ेंगे और ये बाल लीलाओं का वर्णन करने वाले महाकवि तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाकवि तुलसीदास जी जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। श्री राम के दिव्य चरित्र का स्वतः सुखाय यानी कि खुद के सुख के लिए, आत्मतृप्ति के लिए, अपनी शांति के लिए वर्णन करने वाले महाकवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में 1554 संवत में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम हुलसी था। उनकी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें यथास्थान संस्कृत भाषा का भी प्रयोग दिखाई देता है। यानी उनकी ज़्यादातर रचनाएं तो अवधी में लिखी गई हैं, लेकिन जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत है वहाँ पर संस्कृत भाषा का भी प्रयोग दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीराम चरितमानस, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, राम लला नछहू आदि। ऐसा माना जाता है संवत 1680 के श्रवण मास यानी सावन महीने में तुलसीदास जी की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने यहाँ पर हमें श्री राम भगवान के जीवन से संबंधित चार पद, उनके बालपन से संबंध रखने वाले, उनके बालपन के वर्णन करने के लिए उन्होंने जो पद रचना करी थी उसमें ही जो चार पद हैं आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल को आराध्य हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की रचना करते हुए, आराधना करते हुए जनमानस में मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि हैं। यानी तुलसीदास जी कौन हैं, ये राम भक्ति शाखा को डिनोट करते हैं। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। यानी आज हम जो अभी ये पोयम पढ़ रहे हैं, ये जो हम पद पढ़ेंगे, इसमें ये बाल रूप का वर्णन किया गया है और ये जो बाल रूप है ये ब्रज भाषा में लिखित है। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले पहला पद पढ़ रही हूँ आपके सामने और उस पद से संबंधित जितने भी सारे ये हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरीके से पद टू के ये हार्ड वर्ड्स यहाँ पर हैं, पद तीन और पद चार यानी हर पद के नीचे उसके हार्ड वर्ड्स को मैंने लिख दिया है, जिससे ये आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी और समझने में भी कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए हम देखें, सबसे पहले पहला पद पढ़ते हैं। और देखिए बच्चों, पद जो है, जो काव्य पढ़ते हैं तो उसमें एक उतार चढ़ाव होता है, सीधा स्ट्रेट जो है बिना किसी रुकावट के जो है गद्य पढ़े जाते हैं। लेकिन पद्य जो है, पोएट्री सेक्शंस जो होते हैं, वो बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ शालीनता से पढ़े जाते हैं। कबहू सची मांगत अरई करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के, नाचत मातु सब मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हठिके, पुनि लेत सोई जेही लागी अरे, अवदेश के बालक सदाचारी, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ पर पहले पद में भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कबहू यानी कभी तो आसमान में चमकता हुआ चांद देखकर उस चांद को मांगने की जिद करते हैं, और कभी उस चांद से जो रोशनी आ रही है उसी रोशनी में अपनी परिछाई यानी अपना प्रतिबिंब निहार रहे हैं और फिर डर जाते हैं कि अरे ये दूसरा व्यक्ति कौन है। कभी करताल यानी कि ताली बजाकर, कभी करताल यानी ताली बजाते हैं और नाच नाच कर अपनी माता के मन को मोहित करते हैं, अपनी माता के मन को आनंद से भर देते हैं। कबहू ऋषि आई कहे हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, और कभी रूठ जा
जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर उसी चीज को प्राप्त करने की जिद करने लग जाते हैं जिसे वो नाच नाच कर भूल चुके होते हैं। यानी कई बार बच्चे बच्चों जिद करने लग जाते हैं ना, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आप लोग भी जिद करने लग जाते हो कि नहीं मम्मी हमें वही चाहिए, फिर थोड़े से समय के लिए उसको भूल जाते हो और दोबारा से फिर उसी चीज को प्राप्त करने के लिए दोबारा से मम्मी को परेशान करते हो। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और जो ये अवधेश यानी कि अवध के राजा राजा दशरथ, यहाँ राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात हो रही है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चारों बच्चे जो हैं जब अपनी माताओं के साथ में वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, जब अपनी माताओं के साथ में वहाँ खेल रहे हैं, तो उनके उस खेलकूद का जो वहाँ पर पूरा का पूरा एक वर्णन है, उनकी माताओं के मन के आनंद का जो वर्णन है वो यहाँ इस पहले पद में किया गया है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि कभी तो बच्चे यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कभी तो ये चारों बच्चे आसमान में चमकते हुए चांद को देखते हैं और उसको पाने की जिद करते हैं, कभी वो बच्चे उसी चांद से निकलने वाली रोशनी में अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं, कभी तालियां बजा बजा कर अपनी माता के हृदय को आनंदित करते हैं, कभी रूठ जाते हैं और किसी भी चीज को लेने की जिद करते हैं। और उन सब की यानी अवधेश के चारों बालकों की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों की बाल लीलाओं को देख देख कर उनकी माँ का मन जो है वो हर्ष से भर जाता है। चारों बालकों की माताओं के नाम क्या थे? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन चारों की चारों इन तीनों माताओं इन चारों बालकों की तीनों माताओं का मन जो है वो आनंद से भर उठता है। और ये जो अनुपम छवि है ये तुलसीदास जी के मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहती है, हमेशा उनको याद कर करके, उन बच्चों की बाल लीलाओं को याद कर करके तुलसीदास जी का मन प्रसन्न होता है। बच्चों मैंने आपको स्टैंजा नंबर अभी पद नंबर एक स्टैंजा नंबर एक जो है वो एक्सप्लेन किया, अब आइए हम स्टैंजा नंबर टू पर आते हैं। बर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगह छबि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराघरी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेवछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। अब यहाँ पर भगवान राम के यहाँ पर मेन जो पूरी की पूरी पोयम में जो बार बार जो मेन स्टोरी इस पूरी की पूरी पोयम का जो मेन कैरेक्टर है वो भगवान श्री राम है। यहाँ भगवान श्री राम के मुखमंडल की आभा का वर्णन करते हुए, उनके मुख की सौम्यता, उनके चेहरे की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। जब भगवान श्री राम मुस्कुरा मुस्कुरा कर खुश हो होकर अपने होठों की पंक्तियां यानी अपने होठों को खोलते हैं तो उनके होठों के खुलने पर जो दांतों की पंक्ति है, जो उनके सफेद सुंदर चमकते दांतों की पंक्ति है, वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे चपला चमके घन बीच जगह छबि मोतिन माल अमोलन की, कि जो चपला यानी जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने पर जिस प्रकार से एक सफेद सी लाइन आती है, ठीक इसी प्रकार से ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम जब मुस्कुराते हैं अपने बचपन में तो उनके दांतों की चमक उनके चेहरे पर ऐसा लगती है जैसे मानो घनों यानी बादल के बीच में बिजली चमक रही है, उनके चेहरे की आभा जो है वो बहुत सुंदर प्रतीत होती है। घुंघरा घरी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, उनके जो घुंघराले बाल हैं, उनके जो घुंघराले बाल हैं उन बालों के ऊपर जो एक सुंदर सा जूड़ा बना हुआ है और उनकी जो घुंघराली बालों की जो लटे हैं जो उनके चेहरे की शोभा बढ़ा रही है वो ऐसा लगता है उनके कपोलों तक यानी कि उनके सुंदर सुंदर होठों तक आ आकर बार बार वो उन्हें परेशान कर रही हैं। नेवछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बलिहारी चला जाऊं, मैं न्योछावर कर दूं अपना तन
मन धन जो कुछ सब कुछ है मेरे पास, बस मुझे मेरी नजरों से, मुझे मेरी दृष्टि से, मुझे मेरे मन की आंखों से, या यूं कह ले मुझे भरसक सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु की इस बाल रूप की लीला को निहार लेने दो। बच्चों यहाँ पर हमने जो अभी ये दो स्टेंजास पढ़े, पद नंबर एक और पद नंबर दो, इन दोनों में ही हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के बचपन का बाल स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान राम के बाल स्वरूप के वर्णन को पढ़ते हुए अब हम इसके तीसरे पद पर चलते हैं। पगनुपर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू मनी माल लिए नवनीत कलेवर पीत झंगा झलके पुल के नृप गोद लिए अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भ्रंग पिए मन मोह न बस्यो असु बालक जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। यहाँ पर भगवान श्री राम जब पैरों में बंधने वाली पायल और घुंघरू की आवाज करते हुए अपने महल के आंगन में घूम रहे हैं, तो देखिए भगवान श्री राम के उस बाल स्वरूप को देखकर तुलसीदास जी और दशरथ के मन में क्या विचार आते हैं। पग नुपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू मणिमाल लिए, पैरों में जो बंधी हुई जो पायल है उसके जो घुंघरू है वो घुंघरू जब वो छम छम करके चल रहे हैं, पूरे के पूरे महल के आनंद, पूरे के पूरे महल के जो आंगन को आनंदित कर रहे हैं, उस आनंद के, उस आनंद की जो सीमा है वो उनके पिता के मन को खुशियों की अपार सुख समृद्धि प्रदान कर रही है। और उनके कोमल कोमल पैरों से जब वो पूरे घर के आंगन में खेल रहे हैं तो उनके माता पिता का मन जो है वो हर्षा रहा है। जब उनको उनकी माताएं प्यार से माखन खिला रही हैं तो माखन खाने पर उनके शरीर और उनके कपड़े जो हैं वो माखन से लथपथ हो गए हैं, सन गए हैं, और वो बाल रूप इतना सुहावना प्रतीत हो रहा है कि निहार निहार कर राजा दशरथ उन्हें गोद में लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भ्रंग पिए कमल के समान इन बालकों का सुंदर सुंदर रूप देखकर जो राजा दशरथ के मन रूपी भवरा है वो लगातार उसके ऊपर उन बच्चों के आसपास इसी प्रकार से मंडरा रहा है जिस प्रकार से भवरा कमल के ऊपर भवरा मंडरा मंडरा कर कमल का सारा यौवन, कमल का सारा रूप, कमल की सारी सुंदरता अपने भीतर समाहित कर लेना चाहता है, अपने पास रख लेना चाहता है। मन मोह न बस्यो असु बालक जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। अरे इन बच्चों की, इन बालकों की बाल लीला को देखकर कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना सर्वस्व न्योछावर नहीं करना चाहेगा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो अपना सर्वस्व इन बालकों की सेवा में, इन बालकों के रूप निहारने में अर्पित कर देना चाहूँगा। बच्चों ये इस स्टेंजा नंबर तीन के बारे में मैंने आपको अभी बताया। आइए अब हम स्टेंजा नंबर चार की तरफ चलते हैं, पद संख्या चार की तरफ चलते हैं। तन की दुति श्याम सरो रूह लोचन कंजक मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की धूरी धरे दमके दतिया दुति दामिनी ज्यो किलके कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके शरीर की, उनके अंगों की जो आभा है, जो शोभा है, वो जैसे जंगल में खिलने वाला कमल और उस कमल की कोमलता जो है वो, और उस कमल की सुंदरता जो है वो जिस प्रकार से उस पूरे के पूरे जंगल को शोभायमान करती है, इतनी सुंदर धूल से भरी हुई छवि, यानी बच्चों, जब बच्चे, जब राम भगवान अपने भाइयों के साथ में धूल मिट्टी में खेल रहे हैं
बारे में सोचते रहें और विचार करते रहें। अवधेश के बालक चारी सदा मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने प्रभु से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों का बाल विनोद, इन बच्चों का आनंद, इन बच्चों की बाल लीलाएं मैं हमेशा अपनी आंखों से निहारता रहूं और मेरे ईश्वर मुझे संसार के सारे सुखों से बढ़कर जो ये सुख तुम अभी प्रदान कर रहे हो ये करते रहो। बच्चों, इस पूरे की पूरी काव्य खंड की रचना में जिसके अंतर्गत तुलसीदास जी ने हमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के बारे में बताया है, इसके बारे में मैंने आज आपको पढ़ाया। तो बच्चों, मैं आप सबको बार बार एक ही चीज कहूंगी कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको रिवाइज कराया जा रहा है क्लास में, वो सब आपको दोबारा से अपने आप प्रॉपरली रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि काव्य खंड एक ऐसा पार्ट है हमारी हिंदी साहित्य का जिसको हम अगर थोड़ा सा भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता है और इसके साथ ही साथ में हमें बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज जो मैंने आपको श्री राम की बाल लीला पढ़ाई है, इस बाल लीला को पढ़कर आपको आनंद आया होगा और भगवान श्री राम के जीवन, उनके बचपन से संबंध रखने वाली ये लीला आपके मन को भाई होगी। बच्चों, मैं फिर से आपको यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि जब तक सेफ नहीं रहेंगे तब तक कोरोना के चक्र से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आइए बच्चों, हम सभी इसी उम्मीद के साथ कि हम सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, मैं आज की कक्षा को विराम देना चाहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।